आज हम बनाएंगे बहुत ही इजी और हेल्दी एगलेस बर्थडे केक। अगर आप मैदा का केक पसंद नहीं करते तो ये शानदार सूजी पाइनएप्पल केक आपके किसी भी खास अवसर को और खास बनाने के लिए बिल्कुल सही है। इसमें ना ही हमने कंडेंस मिल्क डाला है और ना ही अंडे का इस्तेमाल किया है। बहुत ही सरल सी रेसिपी है जिसे कोई भी आसानी से बना ले, और इसके बावजूद भी ये केक आप देख सकते हो कितना सॉफ्ट और स्पंजी बना है। दोस्तों, सूजी और पाइनएप्पल के कॉम्बिनेशन की तो कोई जोड़ ही नहीं, सब जानते हैं। इसीलिए मुझे यकीन है ये सूजी पाइनएप्पल फ्लेवर केक आपको बेहद पसंद आएगा। तो चलिए जल्दी से इसकी रेसिपी देख लेते हैं। केक बनाने के लिए पहले तो ये एक कप दही लिया है मैंने। दही फ्रेश मीठा हो, ज़्यादा खट्टा ना हो तो केक में ज़्यादा अच्छा स्वाद आएगा इसका। अब पहले दही को बहुत अच्छे से फेंट लेना। विस्क नहीं है तो ये फेंटने का काम आप किसी चम्मच या फोक की सहायता से भी कर सकते हो। फेंट कर जब ये इस तरीके से स्मूथ हो जाए तब हम इसमें डालेंगे पूरा आधा कप भरकर चीनी। यहाँ पर आप चाहो तो पाउडर शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। जब चीनी दही में अच्छे से घुल जाए, मैंने ली है ये एक कप सूजी। दोस्तों, सूजी बिल्कुल बारीक जो होती है वो यूज़ करना, इससे केक का टेक्सचर अच्छा आएगा। और अगर ये ना हो तो जो मोटी वाली सूजी होती है उसे ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड करके यूज़ करना, वैसे भी चलेगा। चलिए अब सूजी को भी इसमें डालकर मिलाएंगे। अच्छे से मिलाना, इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए। दोस्तों, हमने इस रेसिपी में दही यूज़ किया है तो इस केक में ज़्यादा फैट अलग से ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसीलिए बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल या बटर लगेगा हमें। मैंने यहाँ पर बस 2 बड़े चम्मच ऑयल इस्तेमाल किया है। सनफ्लावर या राइस ब्रान ऑयल जैसा कोई भी रिफाइंड ऑयल लेना जिसमें ज़्यादा फ्लेवर ना हो। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाने के बाद ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके की है। अब हम क्या करेंगे, इस मिश्रण को कम से कम 1 घंटा या अगर ज़्यादा समय है आपके पास तो 2 घंटों तक भी आप इसे भीगने के लिए रख सकते हो। सूजी जितने अच्छे से फूल कर आएगी केक उतना अच्छा सॉफ्ट बनेगा। बाद में मैं आपको फिर से इसकी कंसिस्टेंसी दिखाऊंगी, अभी के लिए इसे ढककर रख देना। दोस्तों, सूजी के मिश्रण को रखे हुए तकरीबन 1.5 घंटा हुआ है। उसे देखने से पहले ये देखिए, यहाँ पर मैंने एक 7 इंच का एल्यूमिनियम का टिन लिया है। इसे तेल या बटर से अच्छे से ग्रीस कर लेना। साइड्स में भी अच्छे से तेल लगाकर अब इसमें एक बटर पेपर या पार्चमेंट पेपर रख देना। पार्चमेंट पेपर है तो इस पर तेल लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब बेकिंग के लिए गैस पर हमने एक एल्यूमिनियम का पतीला रखा है। पतीले में बिना कुछ डाले बस एक ऐसा स्टैंड रख देना और अब ढककर 10 से 15 मिनट लो मीडियम फ्लेम पर इसे प्रीहीट करना। जब तक पतीला प्रीहीट हो रहा है बैटर को देख लेते हैं। ये देखिए, बैटर की कंसिस्टेंसी पहले से काफ़ी गाढ़ी लग रही है क्योंकि सूजी अच्छे से फूल आई है। हमें इसे थोड़ा सा पतला करना है, पर उससे पहले बची हुई चीज़ें भी इसमें डाल देते हैं। तो ये जाएगा 2 बड़े चम्मच मैदा और थोड़ा सा वनीला एसेंस। वैसे मैदा डालना ऑप्शनल है, पर मैदा से टेक्स्चर और अच्छा आएगा। आप नहीं डालना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हो इसे। सारी चीज़ों को मिलाने के बाद अब हम इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट करेंगे। तो 1.5 चम्मच पानी डाला है मैंने इसमें, आप दूध भी डाल सकते हो। अच्छे से मिलाएंगे इसे, ये देखिए इस तरीके से। अब केक अच्छे से फूलने के लिए हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा और 1 चम्मच बेकिंग पाउडर। 1/2 चम्मच से 2 बार बेकिंग पाउडर डाली है मैंने। और हाँ, सोडा और बेकिंग पाउडर डालने से पहले पतीला अच्छे से प्रीहीट होना बहुत ज़रूरी है, ये ध्यान रखना। बैटर तो रेडी है, काफ़ी हल्का भी हुआ है ये, तो ग्रीस किए हुए टिन में इसे डाल देना और थोड़ा सा थपथपाना इसे ताकि इसमें बड़े बड़े एयर बबल्स ना रहे। प्रीहीटेड पतीले के अंदर हम टिन को बीचों बीच रख देंगे और ढक्कन रखकर तकरीबन 40-45 मिनट्स लो मीडियम फ्लेम पर इसे बेक होने देंगे। दोस्तों, अगर आप सारे मेजरमेंट्स सही से लेते हो और सारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो तो सूजी का केक भी बहुत ही अच्छा सॉफ्ट और फूला फूला बनेगा। साधारण 45 मिनट्स के बाद मैंने इसे खोला है। केक का कलर बहुत ही अच्छा आया है और अच्छे से इवनली बेक भी हुआ है ये। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए नाइफ से साइड से चेक करना
और फिर एक प्लेट को टिन पर रख कर इस तरीके से केक को इसमें पलट देना। पार्चमेंट पेपर को हटा देना। देखो तो कलर कितना अच्छा आया है केक का। चलिए अब इसे हम लेयर्स में काट लेंगे। काटने के लिए इस तरीके का लंबा सेरेटेड नाइफ है आपके पास तो बहुत बढ़िया, नहीं तो ऐसा वाला सेरेटेड नाइफ भी चलेगा। सेरेटेड मतलब ये देखिए, ऐसे डिजाइन वाला ब्रेड या केक काटने के लिए ऐसा नाइफ बेस्ट है। तो इस तरीके से इसे काट लेंगे। ये पहली लेयर तो बन गई है, अंदर का स्पंज आप खुद ही देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है। इसी तरीके से और एक बार कट कर हम इसके टोटल 3 लेयर्स बनाएंगे और ऊपर का भी थोड़ा सा पोर्शन हटा देंगे। ये देखिए लेयर्स रेडी है। एक बार मैं आपको इसका वेट भी दिखा देती हूँ। ये देखिए स्पंज का वेट 550 ग्राम है। चलिए अब पाइनएप्पल केक बनाने के लिए मैंने ये फ्रेश पाइनएप्पल लिया है यहाँ पर। अगर फ्रेश पाइनएप्पल ना हो तो आप कैन पाइनएप्पल या फिर पाइनएप्पल क्रश का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने इससे पहले 2 टायर पाइनएप्पल केक की रेसिपी आपके साथ शेयर की थी, उसमें फ्रेश पाइनएप्पल की जगह पे पाइनएप्पल क्रश यूज किया था, तो आप चाहो तो वो रेसिपी भी रेफर कर सकते हो। अभी तो हम ये फ्रेश पाइनएप्पल ही यूज करेंगे। तो इसके मैंने इस तरीके से 2 अलग अलग साइज में टुकड़े कर लिए हैं, थोड़े से ऐसे छोटे छोटे हैं और कुछ ऐसे बड़े हैं। अब एक पतीले में लगभग 1/4 कप चीनी लेना और चीनी के करीबन 3 गुना पानी डाल देना। इसमें ये पाइनएप्पल के सारे टुकड़े डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे बीच बीच में चलाते हुए अच्छे से उबलने देंगे। ये देखिए दोस्तों, जब इसमें इस तरीके से उबल आ जाए तब हम इसे और 3-4 मिनट उबलने देंगे। इस प्रोसेस से पाइनएप्पल काफी अच्छा सॉफ्ट मीठा भी बनता है, इसका कलर भी और निखर जाता है। साथ में ही केक अगर आप 2-3 दिन भी रखो पाइनएप्पल खराब नहीं होगा। 3-4 मिनट के बाद फ्लेम को बंद करके इसमें से पानी और पाइनएप्पल के टुकड़ों को अलग कर देना। इन दोनों को भी हम बाद में यूज करेंगे। अब क्रीम को व्हिप करने के लिए बड़े बाउल में ये दूसरा चिल्ड बाउल रखा है मैंने। अंदर से ये देखिए बिल्कुल भी गीला नहीं है, मैंने इसे फ्रिज में पलट कर रखा था। बहुत सारी व्यूअर्स की समस्या होती है क्रीम अच्छे से स्टिफ नहीं बनती, तो दोस्तों आप एक बार इस तरीके से ठंडा बाउल और साइड में ऐसे आइस क्यूब्स डालकर जरूर ट्राई करना। साथ में ही क्रीम को यूज करने से पहले इस बॉक्स को अच्छे से शेक भी करना, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, गाढ़ी जो क्रीम होती है बॉक्स के अंदर चिपक जाती है, और अगर आप बॉक्स को अच्छे से शेक ना करो तो आप पतली क्रीम को कितना भी व्हिप करने की कोशिश करो ये स्टिफ नहीं बन पाएगी। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज, जब आप मार्केट से क्रीम खरीद कर लाते हो फ्रीजर में रखी होती है, तो जिस दिन आपको क्रीम यूज करनी है उससे पहले कम से कम 12 घंटे आप इसे फ्रीजर से निकाल कर फ्रिज में नीचे रख देना। यूज करते समय क्रीम इस तरीके से पतली होना जरूरी है। तो करीबन 1/4 कप क्रीम मैंने यहाँ पर ली है और बची हुई क्रीम एक एयरटाइट कंटेनर में निकाल कर रखी है। इसे मैं वापस से फ्रीजर में रख दूंगी नेक्स्ट केक के लिए। अब इस क्रीम को पहले 2 मिनट मीडियम स्पीड पर बीट करना और फिर स्पीड को बढ़ा कर हाई कर देना। अगले 5 से 6 मिनट में ये देखिए बहुत ही अच्छे से स्टिफ हुई है क्रीम। तो अब समय है सारी चीजों को असेंबल करने का। केक बोर्ड पर या प्लेट के पीछे के साइड पर थोड़ी सी क्रीम लगाना और केक की एक लेयर इस पर रख देना। जो पाइनएप्पल सिरप हमने बनाकर रखा था इसे केक को मॉइस्ट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। इससे केक मॉइस्ट भी होगा और पाइनएप्पल का अच्छा सा फ्लेवर भी आएगा इसमें। अब पाइपिंग बैग में क्रीम को भरकर इस तरीके से अच्छे से इसे केक पर लगाएंगे। दोस्तों केक पर क्रीम इवनली लगाने का मेरे ख्याल से ये सबसे आसान तरीका है, बच्चे भी इजीली कर लेंगे। थोड़े से केक क्रम्स अगर इसके ऊपर लग जाते हैं तो कोई बात नहीं। अब जो पाइनएप्पल के छोटे छोटे टुकड़े किए थे ना हमने, इन्हें केक पर इस तरीके से फैला देंगे। और अब केक की दूसरी लेयर भी इस पर रख देंगे। तो आज तक मैंने आपके साथ केक की काफ़ी सारी रेसिपी शेयर की है, केक की काफ़ी सारी टिप्स और ट्रिक्स भी हर वीडियो में बताती हूँ आपको। तो और कौन सी रेसिपी आप देखना चाहते हो या और कौन सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको चाहिए, ये कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना, मैं उस पर ज़रूर काम करूँगी। तो यहाँ पर ये 3 लेयर्स लगाई है मैंने। अब इसके साइड में भी अच्छे से क्रीम लगाना। पहले स्पैचुला ही यूज़ किया है मैंने,
और फाइनल फिनिशिंग के लिए हम स्क्रैपर ही यूज़ करेंगे। मार्केट में काफ़ी अलग अलग तरह के स्क्रैपर्स मिलते हैं और ये प्लास्टिक के स्क्रैपर का सेट आजकल मेरा फेवरेट हुआ है। इससे केक का फिनिशिंग काफ़ी ईजीली होता है। मैं ये सारी चीज़ें नज़दीक के लोकल शॉप से ही खरीदती हूँ और ऑनलाइन भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको आसानी से मिल जाएगी। केक के साइड में डिज़ाइन करने के लिए इस तरीके का जिगजैग डिज़ाइन का स्क्रैपर मिलता है, इसे ऐसे डिज़ाइन बना लेना और टॉप को भी स्टार नोजल से बहुत ही सिंपल तरीके से डेकोरेट करेंगे। इसी नोजल से बेस में इस तरीके से शेल की डिज़ाइन बनाएंगे, है ना, सरल और सुंदर। अब ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस इन पर ऐसे चेरी रख देना और चेरीज के बीच में जो पाइनएप्पल के बड़े टुकड़े थे उनमें से एक रख देना। दोस्तों, बहुत ही सिंपल तरीके से ये एक लेस सूजी पाइनएप्पल केक हमने बनाया है जिसे हर कोई एंजॉय कर सकता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसे ज़रूर ट्राई करना और अपना फीडबैक कमेंट्स में लिखना बिल्कुल भी ना भूलना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे का लाल रंग का सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाना, साथ में ही बेल आइकन को भी क्लिक करना जिससे आपको मेरे नए वीडियोज़ के बारे में सबसे पहले पता चले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।